सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम फिर से मिथुन राशि के राहु के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोगों की फरमाइश थी, गुरु जी मिथुन राशि के राहु जब भी आता है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये बात सही है? तो हमने कहा कि प्रॉब्लम तो होता ही है, मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो जनता ने देखा है मगर जनता भूल गई है। क्योंकि मिथुन राशि में जो राहु आता है उस राहु में तीन नक्षत्र आते हैं, वृक्षिस नक्षत्र आता है, पुनर्वसु नक्षत्र आता है और आद्रा नक्षत्र आता है। मगर नक्षत्र का प्रभाव राशि में दिखा जाता है और सबसे ज्यादा असर आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में होती है। सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ी उथल पाथल, रोग बीमारी, आतंकवादी घटना, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और भूकंप जैसी घटनाओं से संबंधित रहते हैं। तो हम मिथुन राशि के राहु के बारे में ही चर्चा करेंगे। सन 1983 में हिरोशिमा में एटम बम गिरा गया था, तब भी राहु आद्रा नक्षत्र में ही था और सन 1983 में ही HIV की पूरे विश्व में बहुत बड़ी खराब असर हुई थी, तब भी राशि मिथुन राशि में ही था। और आद्रा नक्षत्र में देखे जावे तो आद्रा नक्षत्र भी बहुत विनाशकारी रहता है, मगर साथ में बहुत बेनिफिट भी देता है। ये सब ग्रहों की भाषा है और नक्षत्र की भाषा है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 के दिन भूकंप आया था। उस भूकंप के अंदर हजारों लोग मर गए थे और वो भूकंप आया था पुनर्वसु नक्षत्र में। तो गुजरात में जब पुनर्वसु नक्षत्र में भूकंप आया था तो इसकी भी अशुभ घटना देश की जनता ने देखी थी। उस समय में भी मिथुन राशि में ही राहु का गोचर भ्रमण चल रहा था और 2001 में ही भारत में भी कोऑपरेटिव बैंकें उठ गई थी और गुजरात में भी अहमदाबाद में कोऑपरेटिव बैंकें उठ गई थी। 2001 में भी राहु मिथुन राशि में ही था। अब वर्तमान समय में 2019 से 2020 की बात करेंगे तो उस समय पर भी और हाल के वर्तमान समय में भी राहु मिथुन राशि में ही चल रहा है, मगर मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी मिथुन राशि में राहु चल रहा होगा तब कोरोना वायरस जैसा ये बनाव पहली बार हुआ है। अब 24 जनवरी 2020 में तुर्की में भूकंप आया था और भूकंप आया था तब भी राहु मिथुन राशि में ही था और कम से कम 2000 लोग मरने की आशंका दिखी गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर पालघर में भूकंप आया था और उसके बाद दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, मगर कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था। तो अब आइए हम कोरोना वायरस की वजह से देश और दुनिया में कितना बेनिफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र है, ये सही गाइडलाइंस है और सही गाइडलाइंस की वजह से ज्योतिषी देश और दुनिया को सही गाइडलाइन दिखा रहे हैं। तो सही ज्योतिषी रहता है वो सही समाचार देगा। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।